नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास है एक एचपी का लेजर जेट P1566 प्रिंटर। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब भी हम इसमें प्रिंट देते हैं तो इसका पेपर जो है कार्टेज के ऊपर फ्यूजर में जाकर ये जाम हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ पेपर इसमें कहाँ फंस रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये कार्टेज के ऊपर भी ये फ्यूजर में फंसा हुआ है और ऊपर से आपको ये पेज दिखाई देगा कि ये पेज यहाँ पे फंसा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं, हमने ये फ्यूजर इसका खोल लिया है और ये फ्यूजर में देख रहे हैं किस तरह से ये पेज इसका फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा एकदम जकड़ गया है इसमें, और इसी को मैं आज ठीक करके आपको दिखाऊंगा कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फ्यूजर का दोनों स्क्रू को खोल लेना है, एक बाएँ साइड रहता है, एक दाहिने साइड रहता है। ये दोनों स्क्रू को जब आप खोलेंगे तो ये जो बाहर का कवर है ये निकल जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह से ये फंसा हुआ है पेज इसमें। तो दोस्तों, इसको खोलने के लिए आपको क्या करना है कि ये दाहिने साइड में आपका ये स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, इसको आपको निकालना है। तो इसको आप ट्यूजर या फिर पेचकस की मदद से आप निकाल सकते हैं इसको, और इधर का भी आपको दूसरे साइड का भी स्प्रिंग को खोल लेना है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक ग्रीन वायर लगा हुआ रहता है, इसको भी निकाल लेना है। अब जैसे इसको निकालेंगे तो उसके बाद देख सकते हैं ये हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है ये बाहर निकल जाएगा, और देख सकते हैं आप टेफ्लॉन का हालत इसमें ये फट चुका है। तो इसी को रिप्लेस करना है, तो चलिए मैं रिप्लेस करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये बुरी तरह से फट चुका है।
तो दोस्तों हमारा प्रिंटर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, तो मैं चलिए अब इसे खुला में ही टेस्ट करके देखते हैं कि ये हमारा जो प्रिंटिंग अभी भी फंस रहा है या फिर प्रिंटिंग में हमारा कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए अब इसको ऑन कर दिया, अभी इसको पेज टेस्ट पेज दे के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा से प्रिंट कर रहा है और ये देख सकते हैं कितना अच्छा प्रिंटिंग कर रहा है। तो चलिए अब मैं इसे टाइट कर देता हूँ और उसके बाद भी एक बार फिर से चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमने ये प्रिंटर को टाइट कर दिया है। अब इसके बाद चलिए फिर से मैं एक पेज देख के देखता हूँ प्रिंट होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये भी पेज बहुत ही अच्छे से प्रिंट कर रहा है और देखिए कितना अच्छा प्रिंटिंग आया है। और ये हम इसको मिटाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं मिट रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें।